लोग आपको कहते हैं कि है ना कभी भी रिपीटर के मार्क्स बढ़ते नहीं है, एज अ मिथ ये रहता है कि 10 15 20 नंबर यही मैक्सिमम होता है। तो एक तो मिथ मैंने यहाँ बस्ट कर दिया, देख लीजिए आप। एक ये होता है कि अगर आपके बोर्ड्स में एक परसेंटेज कम है तो आपके नहीं आ सकते, आप यहाँ 77 देख सकते हैं, ये भी मैंने बस्ट किया है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो अभी आपने इतनी देर से हर किसी स्टूडेंट का सुना है, अब मुझे नहीं लगता मुझे कोई स्पेशल कोट करने के लिए कुछ बचा है, पर मैं उससे हटके कुछ कोट करना चाहूँगा। एज अ रिपीटर आप मतलब गो थ्रू जाते हैं तो बहुत से मिथ फैले हुए हैं अपने यहाँ कि लोग आपको कहते हैं कि है ना कभी भी रिपीटर के मार्क्स बढ़ते नहीं हैं। एज अ मिथ ये रहता है कि 10 15 20 नंबर यही मैक्सिमम होता है। तो एक तो मिथ मैंने यहाँ बस्ट कर दिया, देख लीजिए आप। एक ये होता है कि अगर आपके बोर्ड्स में एक परसेंटेज कम है तो आपके नहीं आ सकते, आप यहाँ 77 देख सकते हैं, ये भी मैंने बस्ट किया है। तो मतलब यही है कि मैंने एक लाइन है ना अब तक मुझे याद है कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो अब आप देख लो मेरे को, आप मैं कभी लगा भी नहीं होगा कि इतने नंबर, मेरे दोस्त भी मुझे कम ही जानते थे, कभी था ही नहीं कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। पर ये है कि विश्वास होता है कि हम बस्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, अपने अंदर एक वो लेके चलें। सर और मैं आपको और बताना चाहूँगा मेरे बारे में, इससे 2 साल पहले मुझे ऐसे ही फोर्स तो नहीं कहूँगा, बस सही है गाइड करके कि इसलिए कन्विंस कर लिया था कि मैं BMS में ले जाऊँ। तो मुझे कॉलेज भी मिल गया था हरियाणा में, एक ही कॉलेज है उसमें गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। तो फिर मैं रिपोर्टिंग का टाइम आया, मैं गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मैंने कॉलेज देखा, फिर मुझे लगा मैं ये तो डिज़र्व नहीं करता कहीं ना कहीं। सर ये होता है कि लाइफ में अपना स्टैंडर्ड सेट कर लो कि मतलब उससे नीचे तो हमें कुछ ही नहीं लेना। फिर सर मैंने एक और किया, अब वो नहीं हुआ, अब ये आता है कि काश वही ले लेते, एक साल तो हो जाती है। फिर अब इस चीज़ को कोप अप करते हुए सर फिर एक और मैं ये स्कोर करना सर बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, पर मैंने किया लास्ट टाइम। मैं यही कहूँ कहना चाहूँगा सर कुछ भी पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो कुछ भी, अब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है सर। एक तो यही है, सबका आप पे विश्वास होता है, कभी विश्वास ना टूटने दें किसी का भी, अपनी पूरी मेहनत करें, बस पॉजिटिव रहें और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपनी मेहनत करें, सब कुछ मिलता है सर। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।